गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली क्लास बीएससी सेकंड ईयर के लिए है। सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स ही है, ठीक है। तो वापस जैसा कि मैं हर नई क्लास के लेक्चर सीरीज में बताता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म ही हमारे लिए स्टडी का एक जरिया या साधन बना हुआ है, तो हमें इसी पर अभी फोकस रहना पड़ेगा। अब इस प्लेटफॉर्म पर स्टडी करने के लिए जो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमेशा लेक्चर को जब भी आप सुने तो बिल्कुल अपना जो क्वालिटी टाइम हो, जो सीरियस पढ़ने का समय है, सीरियसनेस के साथ आप पढ़ सकते हो, उसी समय इस लेक्चर को सुने। दूसरा, पेन और पेपर को हमेशा साथ लेकर के बैठे ताकि लेक्चर को सुनते वक्त आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट कर सकें। और मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि आपका जो ये लेक्चर है बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह ही चले, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस क्लास में आपको तीन बुक्स पढ़नी है। पहली बुक होगी आपकी ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी, दूसरी होगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी या यांत्रिकी, और तीसरी होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये तीन बुक है जिसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जो सबसे पहले बुक कवर करेंगे वो करेंगे हम ऑप्टिक्स। तो चलिए हम ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर है आज का, उसमें हम ऑप्टिक्स एक तरह से क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम इस लेक्चर को ले रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो ऑप्टिक्स आप स्टार्ट करने वाले हो उसमें किन किन चीज़ों को और किस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सुनने से क्या होगा, एक सेटअप बन जाएगा आपका ऑप्टिक्स को पढ़ने का कि किस तरह से ऑप्टिक्स को आपको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी, तो जब आप ऑप्टिक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसके अंतर्गत सिलेबस में कौन कौन से पार्ट हैं उसको करने से पहले हम थोड़ी एक बेसिक जानकारी, एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक ऐतिहासिक कालक्रम जरूर इस ऑप्टिक्स के बारे में देख लेते हैं ताकि सब्जेक्ट या जो विषय है हमारा उस पर हमारी समझ और मजबूत हो सके। तो बेसिकली अगर हम बात करें लाइट यानी प्रकाश, इसी को हमें पढ़ना है प्रकाशिकी में। तो लाइट का, लाइट की जो नेचर कैसी है इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। और लाइट की बिहेवियर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च संबंधी जो काम चल रहे थे वो एक लंबे समय से चल रहे थे। आज तो लाइट की नेचर आपको पता है, लेकिन आज जिस स्थिति में आप पहुंचे हो कि लाइट की नेचर को बता सकते हो, उसके लिए एक लंबे समय तक खूब सारे रिसर्च किए गए थे। और हम उसी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी रहे, ठीक है। और एक चीज़ और, फिजिक्स में हम बेसिकली करते क्या हैं, नेचर और नेचर में जो घटने वाली घटनाएं या इवेंट है उनकी हम व्याख्या करते हैं। या तो हम कोई सिद्धांत देते हैं या विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है और उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको सिद्धांतों का रूप दिया जाता है। ये दोनों एक तरह से वाइस वर्सा चलते हैं, एक्सपेरिमेंट को थ्योरी का सपोर्ट और थ्योरी को एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट मिलता रहता है। तो लाइट के बारे में जो सबसे पहले, इसकी प्रकृति के बारे में जो सबसे पहले बात कर रहे थे वो कर रहे थे वैज्ञानिक आपके न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था न्यूटन का, कणिकीय सिद्धांत। कणिकीय सिद्धांत ये सबसे पहले दिया गया सिद्धांत था, द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट विच इज गिवन बाय सर आइजक न्यूटन। तो इस सिद्धांत में न्यूटन ने क्या कहा था कि जो लाइट है वह विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के बनी है। अब देखिए किससे मिलकर के बनी है, कणों से, ठीक है, पार्टिकल नेचर है। न्यूटन क्या कह रहे हैं, लाइट की नेचर को कैसी बता रहे हैं, पार्टिकल नेचर बता रहे हैं। और इस नेचर के आधार पर न्यूटन ने एक तो किसी भी माध्यम में, मुख्यतया आपके फ्री स्पेस में, लाइट किस प्रकार से प्रोपोगेट करती है, किस प्रकार से वह प्रवाहित हो रही है, किस प्रकार से वह बह रही है, प्रोपोगेट कर रही है, उसका किस प्रकार से संचलन हो रहा है, उसको बताने का प्रयास किया। और काफ़ी हद तक इस मॉडल के द्वारा वो समझा भी पाए। इसके अलावा जो आपके अपवर्तन और परावर्तन के नियम हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन, उनके जो फॉर्म थी, किस रूप में आप इनको लिखते हो, उनको भी सिद्धांत के द्वारा समझाया गया। तो उस दौर में जो शुरुआती दौर था, ये आपके लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की या 17वीं शताब्दी के आसपास की बात चल रही है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, दो वैज्ञानिक आए आपके, एक आएंगे ग्रिमाल्डी
ये बात होगी 1665 के आसपास, और एक आएंगे फिर हाइगेन, ये बात होगी आपकी लगभग 1680 के आसपास। तो इन लोगों के समय तक आते आते लाइट की नेचर के बारे में एक नया मॉडल आपको दिखेगा, वो मिलेगा द वेव मॉडल ऑफ लाइट। वेव मॉडल ऑफ लाइट यानी प्रकाश का तरंगीय प्रारूप। पहले तो कण था, अब तरंगीय प्रारूप। हालांकि ये व्यक्ति भी क्या करेंगे, अब ये आएगा क्यों कि कुछ ऐसी घटनाएं होगी, जिन घटनाओं की मैं बात कर रहा हूं उन घटनाओं में मुख्यतः होगी आपके व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और ध्रुवण। हालांकि वो घटनाएं अभी इनके समय तक नहीं होगी, वो बाद में आपको मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से ये घटनाएं हैं जिन घटनाओं को आप इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा पा रहे थे, उनको समझाने के लिए आपको लाइट को वेव नेचर, लाइट की वेव नेचर को ही लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन इस दौर में क्या हुआ, इन लोगों ने कुछ इस प्रकार की बातें कही, कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट आए, इंटरफेरेंस टाइप के एक्सपेरिमेंट थे जिनको परफॉर्म किया गया। और हाइगन ने तो अपनी एक वेव थ्योरी भी दी थी, हाइगन ने क्या दी थी, एक वेव थ्योरी दी थी, ठीक है ना। उसमें उसने क्या कहा था कि जो लाइट होती है वह उसका जो करेक्टर होता है या उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, वेव नेचर होती है। और इसके आधार पर उसने परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम इनको प्रूफ भी किया। लेकिन हाइगन उस समय यह नहीं बता पा रहे थे कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति, ये तो आपने कह दिया कि वेव प्रकृति है, लेकिन वो अनुप्रस्थ प्रकृति की है, क्योंकि अगर तरंग है तो वो तरंग अनुप्रस्थ भी हो सकती है, अनुदैर्ध्य भी हो सकती है, यानी वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है। यानी प्रकाश किस तरह से हो सकता है, वो अनुप्रस्थ। अभी अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल कि प्रकाश तरंग के प्रकृति में तो है, लेकिन अनुप्रस्थ प्रकृति का है या अनुदैर्ध्य प्रकृति का है। दूसरा, उस प्रकाश यानी जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कितनी है, इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ से नहीं मिल पा रही थी। तो इस समय तक आते आते ये तो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया कि लाइट की कणी कणी प्रकृति नहीं होती अपितु तरंग प्रकृति होती है। फिर आगे क्या हुआ, एक लंबा समय बीतता जाएगा और जब 19वीं शताब्दी आपकी जो 19th सेंचुरी स्टार्ट होगी, 19th सेंचुरी स्टार्ट होने का मतलब क्या हो जाएगा आपके 1801 और 2 के आसपास की बात है, ठीक है ना, 1801। इस समय क्या होगा, यंग नाम के एक साइंटिस्ट होंगे, उनके द्वारा एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। और वह जो प्रयोग होगा वह एक तरह से फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट के लिए, क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण की घटना को समझाया जाएगा। और इस सिद्धांत या जो एक्सपेरिमेंट होगा इसमें यंग के द्वारा एक तो हाइगन के तरंग सिद्धांत को और दूसरे जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, यंग क्या करेंगे इसमें दो चीजें प्रयोग करेंगे, एक तो आपके हाइगन का तरंग सिद्धांत और दूसरा करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सब आपको डिटेल में पढ़ने हैं जो आगे आ जाएंगे। इन दो का प्रयोग करते हुए व्यतिकरण जो कि घटना होगी उसको समझाएंगे, उसके अंतर्गत जो फ्रिंजेस बनती है उसको आराम से समझा पाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो हाइगन ने वेव मॉडल की बात की थी लाइट के, उसको अब क्या मिल गया, एक एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट मिल गया। तो वो क्या होगी, अब चीज़ प्रूफ होनी स्टार्ट होगी कि नहीं, लाइट की कैसी करेक्टर है, वेव करेक्टर है। फिर इस दौर में ये जो पूरी शताब्दी चल रही है आपकी 19th सेंचुरी, ठीक है ना, 19th सेंचुरी जो चल रही है, इस पूरे दौर में लाइट के वेव करेक्टर से रिलेटेड खूब सारी थ्योरी, खूब सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे और ये बात पुख्ता होती चलेगी कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तरंगी प्रकृति है। आगे आप विवर्तन देखोगे, डिफ्रेक्शन, फ्रेनल, फ्रॉनोपर, फिर ध्रुवण, ध्रुवणता यानी पोलराइजेशन की घटना होगी, वह सभी प्रकाश की तरंगी प्रकृति को जस्टिफाई करने के संदर्भ में रहेगी। तो ये पूरा एक क्रम चलेगा। और अब आप देखो इस दौर में आते आते एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट भी मिलने लग जाएंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति को। इतना ही नहीं, फिर आगे जब 1865 के आसपास की बात होगी, लगभग 1860 के बाद, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट, आप वेरी वेल नोन हो इस नाम से, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी है मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो इनके द्वारा मैक्सवेल्स इक्वेशन दी जाएगी। और मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संदर्भ में दी जाएगी। और उस समय मैक्सवेल द्वारा यह भी कहा जाएगा जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो भी एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
मैक्सवेल क्या कहेंगे, लाइट हैज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इस तरह की बात कीजिए, थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं। आप इसको इतना ही लिख लीजिए केवल एक बार, मैक्सवेल, और वो कह रहे हैं कि लाइट जो है आपकी क्या है, ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां भी ये वेव्स कह रहे हैं, तो ये भी बात यहां से प्रूफ हो रही है कि लाइट आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, उसके अंतर्गत लाइट भी शामिल है, ठीक है ना। और जो हाइगन के संदर्भ में हम समझ रहे थे कि उसकी वो उसने वो तो बता दिया कि उसकी प्रकृति क्या है, तरंगी प्रकृति है, लेकिन वो अनुप्रस्थ प्रकृति का है, अर्थात ट्रांसवर्स नेचर का है, या अनुदैर्ध्य प्रकृति का है, या लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन मैक्सवेल की समीकरणों के द्वारा आपको इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। आप मैक्सवेल समीकरणों की सहायता से आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, या आराम से ये ज्ञात कर सकते हो कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य है, ठीक है ना। दूसरा, प्रकाश का जो वेग है, चाहे आप निर्वात में बात करो, चाहे आप किसी अन्य माध्यम में बात करो, वो भी आप आराम से मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, जिसको आप करके आए हो फर्स्ट ईयर में। और दूसरा, उसकी तरंग दैर्ध्य भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ तक आते आते न सिर्फ वेव थ्योरी एस्टेब्लिश हो रही थी, अपितु उसके संदर्भ में जो लूप होल पहले छूटे हुए थे कुछ, वो लूप होल भी अब क्या हो रहे थे, मीट आउट हो रहे थे, अर्थात वो जो कमियाँ थी वो भी अब क्या हो रही थी, दूर हो रही थी। तो 19वीं शताब्दी के एक लंबे समय तक ये एस्टेब्लिश हो गया कि प्रकाश की तरंगी प्रकृति होती है। लेकिन फिर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके, जब 19वीं शताब्दी समाप्त हो रही होगी लगभग 1890 के पश्चात, फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होंगे जिनको आप प्रकाश की तरंगी प्रकृति के द्वारा नहीं समझा पाओगे। इस क्रम में क्या होगा, दो तीन साइंटिस्ट आएंगे, एक तो आपके आएगा हेनरी हर्ट्ज़, एक आपके जे.जे. थॉमसन और एक लेनार्ड, इनके द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम उनके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल एक चर्चा कर रहे हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। वैसे मैं इन सबको आपको जब आगे कहीं कंसर्निंग टॉपिक आएगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। इन सब के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे। बेसिकली क्या किया जाएगा, आप इस चीज़ को देख लीजिए कि जब कोई धात्विक सतह होगी उसके ऊपर कोई रेडिएशन, ठीक है ना, किसी रेडिएशन को क्या किया जाएगा, इंसिडेंट करवाया जाएगा, तो इस धात्विक सतह से, इस मेटलिक सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। हालांकि ये सभी लोग जो थे, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट तो लेनार्ड द्वारा किया गया था, थॉमसन ने केवल ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, लेनार्ड ने इसको आगे और एक्सप्लेन किया, लेकिन वो इस पूरी घटना को किसी सिद्धांत का रूप नहीं दे पा रहे थे, ना ही वो इनको ढंग से समझा पा रहे थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, 1905 में आपके आएंगे आइंस्टीन, अपना एक पेपर लेके आएंगे, और उस पेपर में वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं इसको यहां लिख देता हूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस घटना को समझाएंगे। और इस घटना को समझाने के क्रम में वह ये बताएंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कणीय प्रकृति होती है। अब देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी। मैंने एक थर्ड ईयर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स को पूरा बताया है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, लेकिन नहीं रखते हो तो मेरा ये सेशन है, उस लेक्चर को आप एक बार, सिर्फ उस लेक्चर को जरूर सुन लें, ताकि आप इस क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा फैमिलियर हो पाओ। है क्या, बेसिकली जब 1900 यानी जो 1900 जो वर्ष है, यानी यहाँ पर 19वीं शताब्दी समाप्त हो रही है, इसके पूर्व की जो फिजिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट फिजिक्स थी, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसको आप सुनिएगा एक बार। और इसके बाद की जो फिजिक्स है उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। और उसका जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा, जो सबसे पहला ब्लॉक दिया जाएगा, वो दिया जाएगा मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। तो वहाँ आप उसको सुनिए, आपको पता चल जाएगा। हम वापस इधर आते हैं कि आइंस्टीन ने क्या किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को बताया। और इस घटना में बेसिकली है क्या कि जब किसी धातु की सतह पर आप रेडिएशन या लाइट इंसिडेंट करते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो अगर लाइट मान लो तरंगी प्रकृति की है, तो एक तरंग के इंसिडेंट से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पार्टिकल नेचर का है, उनमें किस प्रकार से इंटरेक्शन हो सकता है। और आइंस्टीन ने इसको प्रूफ करने के लिए E=hν नाम का एक फॉर्मूला था, जो मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था, उसका यूज करते हुए दिया था। और आइंस्टीन ने फिर ये भी बताया, इस समय तक आते आते ये चीज भी क्या हो गई, एस्टेब्लिश हो गई थी कि
कोई भी जो मोनोक्रोमेटिक विकिरण यानी एक वर्णी जो विकिरण होती है वह इस प्रकार से बिहेव करती है कि वह परस्पर स्वतंत्र ऊर्जा क्वांटा से मिलकर बनी हो। मैं क्या कह रहा हूं, मोनोक्रोमेटिक वेव बिहेव्स सच एज इट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एनर्जी क्वांटा ऑफ एनर्जी एच न्यू। यानी आप सिंपल से अर्थों में अगर समझना चाहो तो इस चीज को सुन लीजिए कि जो प्रकाश होता है वह फोटोन कणों से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आपकी क्या होती है, एच न्यू होती है। तो प्रकाश किससे मिलकर के बना है, फोटोन कणों से मिलकर बना है। तो यहां तक आते आते प्रकाश की वापिस कणीय प्रकृति साबित हो रही है। इस समय तक आप क्या लिखोगे, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति। तो ये तो वापिस वही बात आ गई न्यूटन के जमाने वाली, लेकिन उसमें इसमें अंतर है। तो आप कणी कणी का सिद्धांत से प्रकाश की कणी प्रकृति को लेके चले थे, वो उस समय तक सही भी था लेकिन कुछ घटनाओं को नहीं समझा पा रहा था। तो उसके बाद में वेव थ्योरी आई थी, वेव थ्योरी के बाद में वापस एक बार की आ गई लाइट हैज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर आ गई। तो अब आपके सामने ये प्रश्न है कि आप क्या मानोगे इस प्रकाश को, लाइट को आप तरंग मानोगे या कण मानोगे। तो जब आप क्वांटम वर्ल्ड में प्रवेश करते हो, क्वांटम मैकेनिक्स या एरा ऑफ क्वांटम फिजिक्स में आप जब आपकी एंट्री होती है तब चीजें बहुत ही ड्रास्टिक रूप से चेंज होती है। अब आप केवल इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश को एक्सक्लूसिवली ना तो आप वेव कह सकते हो और ना ही आप पार्टिकल कह सकते हो। यानी केवल तरंग प्रकृति या केवल कणी प्रकृति आप नहीं कह सकते हो। यहां पर एक शब्द मैं काम में लूंगा, उसको आप नोट भी कीजिए और ध्यान से समझिए। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये क्वांटम वर्ल्ड में जब हम प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार की हम बात करते हैं कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। यानी प्रकाश की तरंगी प्रकृति भी होती है और कणीय प्रकृति भी होती है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तरंगी प्रकृति और दूसरा कणिकीय प्रकृति या पार्टिकल नेचर, यानी दोनों ही होती है। अब केवल आप नहीं कह सकते केवल ये केवल है, दोनों ही होती है। अब किस इवेंट को आप किस प्रकृति समझा सकते हो वो आप आराम से तय कर सकते हो। और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के रूप में और थ्योरेटिकली एविडेंस भी इसके मौजूद है कि प्रकाश की इस प्रकार की प्रकृति होती है। तो ये फाइनल कंक्लूजन आपका क्या निकल गया, इस समय तक आते आते जब आप क्वांटम वर्ल्ड में प्रवेश करोगे तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो जो मैंने पहले कहा था हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमने चर्चा कर ली कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। उसके बाद में तो क्वांटम मैकेनिक्स में खूब सारे परफॉर्मेंस चलेंगे, आज के समय तक आते आते खूब ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समझना है। लेकिन ये बात बिल्कुल प्रूफ्ड हो चुकी है कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। इस चीज को आप जरूर नोट करें। तो ये हमने जो चर्चा की वो केवल इसलिए की ताकि एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को भी समझा जाए। जब आप किसी नए सब्जेक्ट को नए टॉपिक को शुरुआत करते हो तो जब तक आप किसी चीज को पीछे से पकड़ के नहीं लाओगे, उन चीज को एक लिंक नहीं बनेगा, तब तक सब्जेक्ट को समझने में वो मजा नहीं आएगा। और हम इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप याद रखिए केवल हमारा काम ये नहीं होगा डेरिवेशन को सॉल्व किया और इसको काम को खत्म किया, वो तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन उस डेरिवेशन में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस छुपा हुआ है, ठीक है ना, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम इस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं। तो उससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। और ये वैसे भी क्या है, ये टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था ऑप्टिक्स के संदर्भ में। अब अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो इसको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स जब आप एज ए सिलेबस के रूप में बुक स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको दो ब्रांचेज पढ़नी है। एक पढ़नी है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको आप कह सकते हो ज्यामितीय प्रकाशिकी, या इसको आप रे ऑप्टिक्स भी कई बार कह दिया जाता है, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, जो आप 12th क्लास में पढ़ के भी आए। और दूसरी पढ़नी है आपको वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी। तो इन दोनों को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। हम जो हमारे लेक्चर में जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वेव ऑप्टिक्स, हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और इसमें मेनली आपको तीन प्रकार की घटनाएं पढ़नी है, और भी खूब सारी होगी लेकिन मेन ये तीन घटना है। एक तो आपका है व्यतिकरण, या इसको कह सकते हो आप इंटरफेरेंस, एक है आपका विवर्तन,
या डिफ्रेक्शन और एक है आपका ध्रुवण या पोलराइजेशन। ये तीन इवेंट पढ़ने और पूरे, हालांकि आप प्रीवियस क्लासों में इन चीजों को पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना, लेकिन अब इनको बड़े ही डिटेल से पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम केवल, हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया, आप इसको आराम से सुनिए। और इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की प्रकृति को मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह से पढ़ना है, और ये तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी निभाएंगे इसमें, ठीक है। वापस वही पेन पेपर को साथ में लेके बैठें, अपना जो सबसे सीरियस पढ़ने का टाइम है उसी समय इस लेक्चर को सुने। और मैं लेक्चर वैसे भी शॉर्ट टाइम पीरियड के ही बनाने वाला हूँ, हालांकि कुछ लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको सुनने में बोरियत लगे। हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेक्चर बनाएंगे ताकि आप उनको सुन करके आराम से साथ साथ नोट्स बना सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में सिलेबस के अनुरूप शुरू करेंगे। तो अभी इस चीज़ को आप यहाँ तक समझिए, इस लेक्चर को आप आराम से सुनिए और अगला काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।